जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा तेज पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी दे दूं। लिखा हुआ है, एंड व्हेन अब्राहम, यह भी नाम नहीं बदला, व्हेन अब्राहम वाज 99 इयर्स ओल्ड एंड 99 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee. मतलब मेरे रब के बीच में और इब्राहिम के बीच में. And will multiply thee exceedingly. मतलब फैला दूंगा तुम्हारी नस्लों को. And Abraham fell on his face and God talked with him saying, As for me, behold, my covenant is with thee and thou shalt be A father of many nations, तुम बहुत सी nations के बाप बनोगे. Neither shall thy name anymore be called Abraham. अब तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं होगा. For a father of many nations have I made thee, क्योंकि मैं तुम्हें बना दिया है. And I will make thee exceeding fruitful, फल पैदा करने वाली कौम. And I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed. ये है पॉइंट. ये thy seed कौन था? जब खुदा ये बात करा तो उसमें इसहाक पैदा थे कि नहीं पैदा थे? कोई क्रिश्चियन या जू आके मुझे बताए. I will make up my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant. सारी उम्र के लिए. To be a God unto thee and to thy seed after thee. बच्चे हो तुम्हारे इस्माइल के भी बच्चों के साथ. thy seed, इस्माइल के बच्चे फिर आगे अलैहिस्सलाम. And the land, सुन लीजिए गौर से, and to thy seed after thee, at the land where thou art a stranger, all the land of Canaan, Palestine, for an everlasting possession. सारी पोजीशन मलकियत किन की? इस्माइल के बच्चों की होगी. कहां? फलस्तीन, कनान के अंदर. एंड आई विल बी देयर गॉड. ये नजर आई है कभी वर्ष? आगे चले. अब कोई कहे नहीं जी नहीं, इसमें तो इस्माइल का जिक्र नहीं है. चले. एंड गॉड सेड अनटू अब्राहम, thou shall keep my covenant therefore, thou and thy seed. ये वही इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि thy seed सिर्फ इस्माइल थे, इसहाक कहीं नहीं पैदा. एंड आफ्टर दी इन देयर जनरेशंस, this is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child amongst you shall be circumcised. ये बात कॉन्टेक्स्ट में है. तुम्हारा हर बच्चा जो तुम्हारे मैन जो तुम्हें फॉलो करते हैं वो अपने खतने करेंगे. एंड ye shall circumcise the flesh of your foreskin. और तुम भी circumcised होगे इब्राहिम. And it shall be a token of a covenant betwixt me and you. ये तुम्हारे मेरे बीच का एक कोवेनेंट होगा. इब्राहिम, सुन्नत इब्राहिमी जिसे आज हम कहते हैं. एंड 8 days old shall be circumcised. 8 दिन बाद तुम होगे. एंड दैट ही इज बोर्न ऑफ द हाउस बॉट मनी ऑफ एनी स्ट्रेंजर विच इज नॉट ऑफ दाई सीड. आगे चले. ही दैट इज बोर्न इन दाई हाउस, मीनिंग इस घर में, इब्राहिम इस्लाम के घर में. एंड बॉट कोवेनेंट शैल बी योर फ्लेश ऑफ द एवरलास्टिंग. ये भी हमेशा के लिए होगा. एंड द अर्क सर्कमसाइज मैन फ्लेश फोरस्किन. 12 इंपॉर्टेंट. आगे चले. And God said unto Abraham, As for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall be given unto the name. And I will bless her, और मैं उसको भी bless करूँगा, and give thee a son also of her. और मैं उनको भी बेटा दूँगा इस्माइल के अलावा. तो ये किसकी बात हो रही थी? कि जो पीछे सारा कॉन्टेक्स्ट था वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी. कनान इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया गया है, उनके बच्चों को. इसहाक अलैहिस्सलाम की तो बात हुई नहीं, वो तो अब शुरू हुई है कॉन्टेक्स्ट में कि मैं उनको भी बच्चा दूंगा. मतलब पिछला बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम थे. एंड आई विल ब्लेस हर एंड शी विल बी अ मदर ऑफ नेशंस, किंग्स ऑफ पीपल शैल. सेम वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई. फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेल ऑन हिज फेस, वो हंसे, लाफ किया. बहरहाल आगे चले. And Abraham said, Ismael, live before thee. सुने, उन्होंने कहा मैं कैसे बच्चा पैदा करूंगी, मैं तो 90 years की हो गई हूं. तो उन्होंने फरमाया, And Abraham said unto God, Oh that Ishmael might live before thee. And God said, Sarah, thy wife, shall be thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, इसहाक। मतलब पीछे सब इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, इसहाक अलैहिस्सलाम तो अब पैदा हो रहे हैं। सुनिए, Behold, I have blessed him and make him fruitful and will multiply him and princes shall, and आगे सुनिए, अच्छा ये important point, and I will establish the covenant everlasting and seed after him, and as for Ishmael, mark my words, Genesis chapter 17, Genesis chapter 17 verse 19 पे emphasize करें, 20 पर, 1920 पर इस्माइल इस्लाम की खुशखबरी देने के फौरन बाद खुदा ने बोला, and as for Ishmael, I have heard thee, behold, I have blessed him, खुदा कहता मैं तो उनको ब्लेस कर दिया, एंड विल मेक हिम फ्रूटफुल एंड विल मल्टीप्लाई हिम एक्सीडिंगली, 12 प्रिंसेस ही शैल बिगेट एंड आई विल मेक हिम अ ग्रेट नेशन। आप बताएं, पूरा कॉन्टेक्स्ट ऊपर से इस्माइल अलैहिस्सलाम के कनान देने का जिक्र हो रहा है, और फिर खुदा ने नीचे कहा कि मैं तो उसकी नस्लों को बरकत में कर दूंगा, तो ब्लेसड है उसकी नस्लें, जनरेशन ब्लेसड हैं। और फिर आगे चलता रहा, फिर सरकमसीजन की बात हुई दोनों बेटों में, किनको सरकमसाइज को, और जेनेसिस 18 के अंदर इसहाक अलैहिस्सलाम का पस मंजर है। लेकिन थोड़ी एक चैप्टर बाद लिखा जा रहा है कि इस्माइल के बच्चे तो बारबेरिक हैं। क्यों? 17 जेनेसिस में खुदा ने बोला कि भाई ये ब्लेसड होगा, और 19 थोड़े से चैप्टर में खुदा कह रहा है ये तो अनब्लेसड है। ये इख्तलाफ है, और खुदा हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता। यहां से आप देख सकते हैं, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये किताबें बदलते हैं, ये सारी चीज़ें बदलते थे, क्योंकि इन्होंने देखा भी इसहाक अलैहिस्सलाम हमारे उधर से मुनाफा है, इन यहूदियों ने, इन्होंने बदल के कह दिया अजी इस्माइल के बच्चे सारे बारबेरिक हैं। खुदा ने तो कहा वो ब्लेसड है। अब किसकी बात सुने? आपके खुदा ने बोला ब्लेसड है, और आप एक जगह कहते नहीं जी वो ब्लेसड नहीं है। यह आपका इख्तलाफ है, यह आपकी लिखावट है। यह बनी अल्लाह ताला सूरह आले इमरान चैप्टर 3 verse 78 में फरमाते हैं कि यहूदी अपने मुंह से अल्फाजों को बदलते थे, और ये झूठे हैं, ये कज़ाब हैं, और ये जानते हैं। इनका अल्लाह ताला के फरमाते इन्होंने जहां जहां चेंजिंग्स की है, इनको इलम है, इनके पास रिकॉर्ड्स है, लेकिन अकड़ जहालत। बहरहाल ये अब मुझे आके कोई क्रिश्चियन या जू या उनका जो बड़ा वफादार कुत्ता बना फिरता है वो आए, और जो मुनाफिक है वो आए और बताएं कि ये जो कॉवेनेंट खुदा ने लिया था कनान देने का, या इस्माइल को दिया गया 2.5 seed को, या इसहाक को दिया गया, आके चैलेंज करें कि इसहाक को जो है पैलेस्टाइन का जिक्र किया, ये तो इस्माइल के लिए बाइबल में आया है कि कनान तुम्हें मिलेगा 2.5 seed को। वो इस्माइल ही 2.5 seed थे, क्योंकि इसहाक की खुशखबरी उस वक्त दी नहीं गई थी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।